नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गाड़ी देख रहे हैं, नई ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इसमें बेसिक चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में कि ये नॉर्मल क्रैंकिंग के लिए बैटरी है। इधर आपका एयर क्लीनर असेंबली हो गई। ये कूलेंट देख रहे हैं आप, पिंक कलर का है, ये इंसुलेटिंग कूलेंट है, इसमें करंट पास नहीं होता। ये सेम पानी के लिए उधर रखिए, ABS मोटर लगी हुई है। इधर भी ब्रेक ऑयल सेम यूज हो रहा है मास्टर सिलेंडर के लिए। इंजन आप देख रहे हैं 3 सिलेंडर है। और ये है हमारा मेन यूनिट, इसके अंदर मोटर अल्टरनेटर सभी हैं। इसके अलावा अगर हम अंदर इंटीरियर की बात करते हैं, ये देखिए स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो के लिए, क्रूज के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इधर ड्राइवर डोर की फिनिशिंग देखिए, पुश स्टार्ट स्विच काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पर देखिए HUD के लिए, ये चारों बटन HUD के लिए हैं। ये कैमरा व्यू करने के लिए, ये हेडलाइट की मोटर का है हमारा। डिस्प्ले स्क्रीन आप देखिए, ऊपर छत पर पैनोरामिक सन रूफ दी गई है। AC का पैनल, गियर स्टिक, काफी स्टाइलिश है, पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। स्विच ऑन करते हैं, ये लिखा आ रहा है, ये लैंग्वेज अभी इसमें चेंज हो रखी है। गुड मॉर्निंग, रेड FM इंडिया, फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ये सराउंड व्यू आ रहा है कैमरा के लिए। इसी में HUD को चालू करने के लिए, स्क्रीन पर एक वार्निंग आ रही है लो फ्यूल के लिए, तो मतलब काफी इंटरेक्टिव है। मैं इंजन स्टार्ट कर रहा हूं, स्विच अगर ऑफ करते हैं तो इधर अगर हम बात करें तो कंडक्टिव टाइप का इसमें चार्जर दिया हुआ है, जैसे ये आप फोन है आपका या कोई दूसरा डिवाइस है उससे कंपेटेबल, उसको आप यहाँ पे रखेंगे। ये सिंबल देख रहे हैं ना, तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो इंडक्टिव टाइप का जो चार्जर है ये आपका ऑन हो जाएगा। इधर चार्जिंग के लिए या कोई एक्सेसरी पावर अप करने के लिए सोर्स दिया हुआ है। इधर USB है, ये जो USB है ध्यान रखिए, ये वाला जो पोर्ट है ना, ये केवल आपका इस ऑडियो डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए है। ऐसा ही सेम डिवाइस आपको गाड़ी में पीछे भी मिलेगा, देखिए लेकिन ये आपका ऑडियो से कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये केवल चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। अब देख रहे हैं इस पर निशान भी बना है, ये जैसे कि हमारा एप्पल में हम देखते हैं ना सी टाइप आता है, तो वो भी इधर दिया गया है।